बहुत फर्क है जी। दूसरा, सरसों के अंदर कोई स्प्रे नहीं है, ज्यादा ज्यादा एक स्प्रे कभी कभी होता है अगर इस मौसम में अड़ आ जाए तो। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अड़की दवाई का सरसों में कोई असर नहीं होता। तीसरा, इसमें से जड़ आती है, इसमें सल्फर होती है, गंधक। गंधक चमड़ी के लिए बहुत बढ़िया चीज है। जिस पशु को आप सरसों की खड़ खिला रहे हो, 3 महीने में आप देख लेना उसकी चमड़ी का चमक अलग ही है। चीचड़ भी कम लाग गए ना? चीचड़ तो जिसका ठाण में होगा इसका तो लाग गए से तापकी में ना तेल। सरसों खड़ वाला कम है मैं, सरसों की खड़ से चमड़ी की बीमारियां कम, क्योंकि इसमें सल्फर है, सल्फर चमड़ी के लिए होता है। अब जिस तरह बिहारियां तो ला लो, अपना बिहारियां हैं जी, तेल खाते हैं, तेल लगाते हैं, मतलब 24 घंटे हम तो 12 घंटे पानी में रहते हैं, उनको चमड़ी की बीमारियां कभी नहीं होती, वो सल्फर की वजह से होता है। तो या तो साबुत बिनोला यूज करो आप रांध कर, या फिर आप सरसों की खलो। लेकिन लोग क्या कहते हैं, खाते नहीं, एकदम राशन कभी मत बदलना किसी भी पशु का, चाहे वो खाए चाहे ना खाए, एकदम दूध तोड़ देगा। अगर आपको रिप्लेस करना है इसको, मान लो आप 3 किलो बिनोला की खल दे रहे हो, पहले दिन उसमें 100-150 ग्राम सरसों की खल मिलाओ। कुछ पशु ऐसे निकम्मे हैं जो 100-150 की समय ले जाते हैं, खाते नहीं बिल्कुल, वो बिल्कुल कह दे बिलाई छोड़ दे, इसमें 100 ग्राम गुड़ घेर दो। अच्छा, गुड़ घेर दो। गुड़ क्या करेगा, सरसों की स्मेल को दबा लेता है। 2-3 दिन थोड़ी थोड़ी दो, फिर इसको डबल कर दो, फिर उसको बढ़ाते चले जाओ 15-20 दिन तक, बिनोले खड़ को कम करना शुरू कर दो, 15-20 दिन में पशु आपका आराम से खाने लग जाता है। ये जो मैंने बताया 2 किलो दूध पे 1 किलो फीड बनता है ये, और आप जो डाल रहे हो उससे सस्ता पड़ेगा। आज के टाइम में अगर इसको बनाओगे आप, ये सारा ही 20-21 रुपए किलो पड़ता जा गया। अर्जुन सिंह डोंगे भर भर के गेरण लाग रहे हो 26 रुपये किलो, उसका न्यून ताजा नहीं गेरण कितनी लाग रहे किलो पड़ेगा, बढ़ता जाए बढ़ाते जाओ, घटता जाए घटाते जाओ। सब सदर हो गया, अगर प्रेग्नेंट होगी 3 महीने की 1 किलो राशन उसका नाइट की, उस टाइम पे 1.5 किलो उसको देना ही देना है, ये बंद नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। कैल्शियम नहीं देना। हाँ, एक और याद आ गई मेरे, कैल्शियम देना जी नहीं देना जी बिल्कुल भी। और ब्याने वाले पशु को आप लोग क्या करते हो, 20-25 दिन पहले कैल्शियम देते हो। ब्याने वाले पशु को कैल्शियम नहीं देना है, 25 दिन पहले बंद कर देना चाहिए। हम मिनरल मिक्सचर को बंद करवा देते हैं 20-25 दिन पहले, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है। और जो पशु बेहता जी कई बार बैठे रहता है, वो मिल्क फ्यूर हो जाए, फिर उसको कैल्शियम की वो डोज देते हैं। ऐसा है, उन्हीं पशुओं को कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी जिनको आप ब्याने से पहले लिक्विड कैल्शियम पिला रहे हो। और ये एकदम सारा दूध नहीं निकल रहा मिल्क फीवर, वो तो सब ना मेरा जी, 4-5 टाइम हम खाली करते ही नहीं, ये तो सबको पता।